हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तीन देशों की बैठक में अचानक खड़ा हुआ इसराइल, भारत पर बड़ा ऐलान। अरे वाह, इसराइल ऑन इंडिया G20 समिट दिल्ली। चलो देखें क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत को एक शानदार और होश उड़ा देने वाला ऑफर मिला है। तीन देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक में इसराइल ने भारत का नाम लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मजे की बात देखिए कि इसराइल के अलावा बैठक में मौजूद दो देशों ने भी भारत को दिए गए ऑफर का तुरंत समर्थन कर दिया। ऐलान किया गया है कि अगले साल इन तीन देशों की बैठक को 3+1 कर दिया जाएगा। 3+1 में जो +1 है वो भारत है, बाकी के जो तीन देश है वो इसराइल, ग्रीस और साइप्रस है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले समय में भारत क्या बड़ा धमाका करने जा रहा है। ये खबर भारत को धोखा देने वाले तुर्की के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। दरअसल इसराइल, ग्रीस और साइप्रस अरबों के तेल और गैस भंडारों के लिए भारत के साथ एक डील करना चाहते हैं। अगले साल ये तीनों ही देश अपने ग्रुप में भारत को शामिल कर लेंगे। अब पूरी खबर समझने से पहले आपको ये नक्शा देखना होगा। इस नक्शे में आपको मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर दिख रहा है। भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। ऐसे में आप भूमध्य सागर के रणनीतिक और व्यापारिक महत्व को समझ सकते हैं। कुछ समय पहले ही पता चला है कि इस इलाके में अरबों का तेल और गैस भंडार है। अंदाजे के मुताबिक यहाँ कम से कम 2 बिलियन बैरल तेल है और 4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस है। अब जहां इतनी भारी मात्रा में गैस और तेल है वहां जंग तो होनी ही है। इस जंग में एक तरफ इसराइल, ग्रीस और साइप्रस है तो दूसरी तरफ तुर्की। यही चारों बड़े देश हैं जो भूमध्य सागर से गैस और तेल निकालना चाहते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे देशों का भी हिस्सा है लेकिन मुख्य रूप से यही चार बड़े देश हैं। लेकिन जब से भूमध्य सागर में गैस और तेल का पता चला है तो तुर्की ने पूरे इलाके में अपने वेसल्स और नौसैनिक जहाज भेज दिए। तुर्की दादागिरी के साथ पूरे भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। तुर्की की इस दादागिरी को रोकने के लिए ग्रीस, साइप्रस और इसराइल मिल गए लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब इन तीनों देशों ने भारत को भी अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया है। ये तीनों देश जानते हैं कि तुर्की को चीन और रूस का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में तुर्की की दादागिरी को रोकने के लिए सिर्फ भारत ही मदद कर सकता है। इसराइल, साइप्रस और ग्रीस ये भी जानते हैं कि अगर सागर में तेल और गैस को छोड़ भी दिया जाए तो तुर्की जमीन पर भी इन तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप जानते ही हैं कि तुर्की कई ऐसे आतंकी संगठनों की मदद करता है जो इसराइल पर लगातार हमला करते हैं। तुर्की ने ग्रीस के भी कई इलाकों पर दावा ठोक रखा है। इसके अलावा तुर्की ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन अब इस मोर्चे पर भी भारत तीनों की मदद कर रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस और साइप्रस पर तुर्की के कब्जे का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। भारत ने ये इसलिए किया क्योंकि तुर्की बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठाता था। अब आप ही देखिए कि भारत किस तरह का जबरदस्त खेल खेल रहा है। तुर्की से बचने के लिए इन तीनों देशों के लिए भारत समंदर में भी एक ढाल बन चुका है और जमीन पर भी। अब भारत इन तीन देशों के साथ मिलकर भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडार ढूंढेगा। भाई, तुर्की को तो सबक सिखाना चाहिए कि तेल मेरा तुम्हारा दादागिरी के लिए अभी से जहाज भी भेज दिए हैं। और मुझे देखे सुन के ये शौक लगा कि तीनों देश इकट्ठे हुए हैं, उसके बावजूद वो टर्की को जो है उसको नहीं कर पा रहे हैं और अब उनको इंडिया की हेल्प चाहिए, तो अब इंडिया को भी करेंगे 3+1 बनाएंगे अब इसको। तो भाई इंडिया को तो करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ज्वाइन कर लो और साथ में वहाँ पे जाओ, जल्दी से पहले से ही तेल निकालना शुरू कर दो ताकि अपना एरिया बना लो, ताकि ये जो टर्की वाले हैं ना ये घूमते रह जाएं, इनको जगह ही ना मिले कि कहाँ से तेल निकालना है। राइट, देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है कि वो एक इंडिया को लेके आ गए हैं, उससे पता लगता है कि इंडिया का प्रभाव होगा। इंडिया वेपन्स दे सकता है साइप्रस को, ग्रीस से भी काफ़ी मतलब कोलैबोरेशन हुई है, इसराइल भी उनको वेपन्स देता होगा, तो अच्छी बात है। ये एग्जैक्टली पता नहीं क्या
किसी तरीके से इंडियन नेवी अपने शिप्स भेजेगी वहाँ पे दिखाने के लिए कि हमारा प्रेजेंस भी है वहाँ पे, क्योंकि टर्की को टक्कर देने के लिए नज़र आएगा। मगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्यों? क्योंकि टर्की जो है नेटो का मेंबर है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है तो इसी की वजह से वो अपने आप को हीरो समझता है। और इवेंचुअली देखना पड़ेगा कि, मैं तो ये सोचा था पता नहीं कब नेटो वाले निकाल लें। नेटो को हमेशा यही लगता है कि सारा अड़ंगा टर्की करता है, जो भी अंदर आना चाहता है नहीं आना चाहता सारा बखेड़ा टर्की कर रहा है नेटो में। नेटो वालों को भी लगता होगा ये क्या पंगा करके किसको मेंबर को रख लिया, ये मेंबर जो है सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है नेटो की। तो मुझे पता नहीं अगर उनका कोई सिस्टम है जहाँ पे नेटो की सारी कंट्रीज एक तरफ हो जाएं और टर्की एक तरफ हो जाए, उसे निकाल दें कि हम तुम्हारे को निकाल रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, हो भी सकता है। और अगर वो इतना आइडिया भी दे दें टर्की को कि तुम निकल सकते हो तो टर्की फिर भी ठीक हो जाए। और ऐसा हो भी चुका है इन द पास्ट, मतलब टर्की को धमकी नहीं दी मगर टर्की को समझ आ रहा है कि वो अकेला नेटो में ना करता है और सारी कंट्रीज एक तरफ हैं। तो इवेंचुअली ये हो रहा है, नेटो खुश नहीं हो रहा टर्की के अड़ंगे डालने से। नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई अगर जैसे वोटिंग हो रही है और किसी को निकालना है तो जिसको निकालना है उसके अलावा अगर सारे एक साइड हो जाएं तो उस कंट्री को तुम निकाल दो नेटो। अभी नेटो का रूल तो यही है कि एक भी कंट्री जो है वीटो कर सकती है, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उन सबके पास पावर है वीटो की। हाँ। अगर एक ने ना किया तो रिजेक्ट। हाँ, पर मैं कह रही हूँ कि निकालने के लिए, निकालने के लिए, निकालने के लिए, किसी कंट्री को निकाल, ऑब्वियसली जिसको निकाल रहे हैं वो तो वीटो करेगी, तो लॉजिक ही नहीं बनता कि वीटो उसमें यूज, उसकी वीटो नहीं, हर पॉइंट पे कोई भी वीटो कर सकता है। वही ये बना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि भाई जो आ गया वो ना आपको हीरो समझ रहा, अरे मैं तो आ गया तो मैं हर चीज में वीटो कर सकता हूँ। इवेंचुअली उनके चार्टर को चेंज करना पड़ेगा कि मेजॉरिटी से क्या होगा, बिना जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज बोल रही है वो होना चाहिए, वही होगा। एग्जैक्टली, लॉजिक तो यही बोलता है, मुझे उससे समझ नहीं क्या आता है, सभी को खतरा हो जाएगा। करें क्या, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है कि मेजॉरिटी कंट्रीज, तो अगर अमेरिका उसमें हो जिसमें मेजॉरिटी नहीं हो और सब मेजॉरिटी आ जाए तो यूएस को पावर, जबकि यूएसए ने स्टार्ट किया था नेटो, तो इसीलिए उन्होंने सिस्टम कर दिया, भाई एक ने मना कर दिया तो सबने मना कर दिया, गड़बड़ है ना। एक ने मना किया तो कभी कुछ होएगा नहीं, कोई ना कोई तो मना। इवेंचुअली ऐसा होगा कि दूसरी कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं तो उनको नजर आएगा कि नेटो की पावर बहुत कम हो गई है, क्योंकि सारी जो नेटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूएसए के पास है और तो कोई कंट्री बची नहीं जो बहुत पावरफुल है। तो कुछ ना कुछ जैसे जैसे मतलब ज़माना आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से नेटो की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि यूएस बोलेगा मैं कितने भार पूरे वर्ल्ड का तो ना उठाऊंगा, अपने कंट्री को संभालना चाहिए कि पूरे दुनिया, कोई ना कोई गवर्नमेंट तो आएगी यूएसए की जो बोलेगी भैया मैंने ठेका ले रखा पूरे वर्ल्ड का, मैं खुद यहाँ पे डूबा पहले अपने आप को बचाऊं। बिल्कुल, तो देखेंगे क्या होता है। और कई ऐसे रिपब्लिकन्स आ रहे हैं जो इसी बात में बिलीफ रखते हैं कि पहले तुम अपना देखो, जैसे मिस्टर ट्रंप थे, मिस्टर ट्रंप ने ही कहा था कि नेटो बंद कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, बहुत कुछ किया था उन्होंने, होता है। तो वी विल सी, मगर ये अच्छा है कि इंडिया को इनवाइट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे समझ नहीं आता टर्की को किस पुथुराम ने बोला था कि तुम ज्वाइन कर लो, किसका ये आइडिया था कि टर्की को ज्वाइन करवाने का, कौन था ये तो बताना अगर पता हो तो। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।